हाय गाइस, वेलकम बैक टू लीनाज किचन। मैं हूँ लीना और मैं आज बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर के आई हूँ, वो है बच्चों के लिए और इसे आप बच्चों की टिफिन में भी आसानी से दे सकते हैं। और वो है बहुत ही अच्छी डेजर्ट बिस्किट केक, जो झटपट बहुत 10 मिनट में बन जाते हैं और विदाउट कुकर और विदाउट माइक्रोवेव, बिना मतलब इसको बेक किए हुए झटपट आप बना लीजिए और बच्चों को आप झटाफट दे टिफिन में भी आप लंच में दे सकते हैं। तो चलिए मैं आज मैं बताती हूँ बिस्किट वाली केक। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे मैं जो भी रेसिपी शेयर करूँ इजली आपके तक पहुँच जाए। और चलिए मैं आज दिखाती हूँ झटपट बनने वाली बिस्किट केक रेसिपी। फ्रेंड्स, बिस्किट केक बनाने के लिए देखिए मैंने मिल्क बिकिस लिया है और आप अपने बच्चों की चॉइस के अकॉर्डिंग आप बिस्किट ले सकते हैं, क्योंकि अभी ओरियो बिस्कुट बिस्किट भी बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो लेकिन मैं मिल्क बिकिस से बता रही हूँ, आप बच्चों के चॉइस के अकॉर्डिंग आप बिस्किट चूज़ कर सकती हैं और डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकती हैं, जैसा आपके बच्चों को पसंद है। तो चलिए मैं बताती हूँ बिस्किट केक। देखिए फ्रेंड्स, बिस्किट केक बनाने के लिए देखिए मैंने एक मिल्क बिकिस का बड़ा सा पैकेट लिया है और इसमें जो है ये चॉकलेट सिरप है देखिए, और ये दूध है और ये जेम्स है। देखिए बच्चों को तो आजकल काफ़ी टॉफियां पसंद आती है, उसके अकॉर्डिंग चॉइस के अकॉर्डिंग आप ले सकती हैं। तो बस इतना ही, और नो शुगर नो फायर, विदाउट फायर ये केक मैं बता रही हूँ। और ये देखिए ये सारे इसको मैं निकाल लूँगी और ये देखिए ये प्लेट है इसके साथ, मैं बताती हूँ। ये देखिए ये इसमें ये प्लेट को रखूँगी, देखिए ये प्लेट और देखिए फ्रेंड्स ये दूध है सबसे पहले, हाथ को अच्छी तरह से साफ कर लें। ये मैंने देखिए ये वाश कर लिया है और देखिए ये जो है देखिए बिस्कुट को इस तरह से डीप करके दूध में और बस इसको ऐसे रखते जाएंगे। आप कितनी बड़ी केक बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप बिस्किट लेंगे। देखिए इसी तरह से सारे बिस्किट को हम एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि केक बनाने के लिए बिस्किट को कूट करके और मेल्ट करके बनाते हैं, लेकिन मैं एक बहुत अच्छी नई आइडिया लेकर के आई हूँ। ये देखिए बस कुछ नहीं करना है, बस एक एक लेयर इसे तरह से सारे बिस्किट को हम इस तरह से रखते जाएंगे। फिर इस तरह से और बच्चों को बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन सी केक है और बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं इस केक को। और मेरे घर में जब बच्चे आते हैं तो मैं झटपट में बस यही केक बना करके खिलाती हूँ, क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो मार्केट जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है, तो झटपट में यही केक बच्चों को बना करके खिलाती हूँ। देखिए इस तरह से सारी लेयर हम करते जाएंगे। और बिस्किट अपने साइज के अकॉर्डिंग आप लेंगे कि कितनी बड़ी आप बनाना चाहते हैं केक।
और देखिए बचे हुए दूध भी थोड़ा सा इसमें, कि मैं स्पून से दिखाती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, देखिए ये बचे हुए दूध को भी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि इसमें ये मेल्ट हो जाए। बस उसके बाद इसमें ये चॉकलेट सिरप है, हर्षिप सिरप है। और फ्रेंड्स देखिए इसमें ये चॉकलेट सिरप है, और इससे इसको इसके ऊपर फ्रेंड्स देखिए इसमें चॉकलेट सिरप हमने लगाया है। उसके बाद अगर आप थोड़ा बड़ा बनाना चाहती हैं तो फिर एक लेयर आप बिस्किट की डालें, फिर चॉकलेट सिरप डालें। इस तरह से आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग आप अपने चॉइस के अनुसार, जैसे बच्चों को जो टॉफ़ी पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डेकोरेशन कर सकती हैं। तो देखिए मैं ये जेम्स लेके आई हूँ, चलिए सारे कलरफुल जेम्स जो बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। जेम्स तो ऐसे भी बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। इसी तरह थोड़ी थोड़ी दूर पे हम ये सारे टॉफी को लगा देंगे। उसके बाद देखिए ये छोटी वाली भी, ये बच्चे को कलरफुल टॉफी काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसी तरह थोड़ी थोड़ी दूर पे हम सब के बाद इसको करीब 10 मिनट तक फ्रेंड्स फ्रीज में रख देंगे। आइए इसे हम फ्रीज में 10 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे ये अच्छी तरह से जम जाएंगी। इसे 10 मिनट के लिए हम फ्रीज में रख देते हैं। आइए फ्रेंड्स इसे चेक कर लेते हैं। इसे मैंने 10 मिनट तक के लिए फ्रीज में रखा था। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी केक बनी है। देखिए पहले आइए इसे कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा यमी यमी केक आपको कैसा लगा, और इसे आप ज़रूर घर पे ट्राई करें और अपने बच्चों को खिलाएं। और मैं भी अपने बच्चों को बचपन से एक केक खिला रही हूँ, क्योंकि ये झटपट इजीली बन जाते हैं। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं सोच रही हूँ कुछ बच्चों के भी आइटम आपके सामने लेकर के आऊँ। और मेरा बच्चा जो है उसकी 4 जुलाई को हैप्पी बर्थडे है, तो मैं एडवांस में इसको एक केक खिला देती हूँ। इधर आओ देखिए यमी यमी केक, इसे ये केक काफ़ी पसंद है और काफ़ी एक केक बचपन से ये खाता आ रहा है। और मेरे घर में जितने बच्चे आते हैं मैं झटपट यही केक बना करके खिलाती हूँ, तो आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।